ऐसी कोई बात नहीं है। मन तो बहुत लगेगा। अच्छा, सारे लोग काम करते हैं दफ्तर में, मन तो लग ही जाएगा। पर ये बताओ कि तुम क्यों नहीं आ रही हो? वो क्या है ना मोहन जी, हमारे जो वो पति परमेश्वर है ना, कई दिनों के बाद दफ्तर जा रहे हैं, तो अब उनकी पत्नी होने के नाते हम चाहते हैं कि हम उनके लिए खाना बनाएं। कहीं गटरी में वो क्या बांध कर लेके आते? एक बार हम भगवान से पूछ लेते क्या लेकर आते हो गटरी में? गुड़ रोटी। कहीं तुम गटरी में गुड़ रोटी बांध कर तो नहीं लाओगी ना? वो भी ले आएंगे, पर तब जब आप खेतों में काम करेंगे। आज से खेतों में काम शुरू करते? चलिए। बोलो क्या उगाएंगे खेत में? हम डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आने के बाद पूछ रही हैं। एक काम करिए, बाहर जाइए और फिर पूछ कर अंदर आइए। अरे हम मजाक कर रहे हैं, आइए अंदर और बताइए क्या काम है। तुमसे नहीं, मुझे मोहन से काम है। मोहन, निखिल बता रहा था कि तुमने सीए नाहता जी को बुलवाया है दिल्ली से किसी मीटिंग के लिए। एक्चुअली तुम तो जानते ही हो ना कि वो कितने बिजी रहते हैं, इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे आएंगे? उसकी चिंता आप मत करिए दामिनी जी, हमने उनसे बात कर ली है, वो 3 बजे मोहन जी से मिलने आने वाले। व्हाट, तुमने बात कर ली है मतलब? देखो राधा, इस काम से ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो क्यों? देखो दामिनी, टेक्निकली तो ऑफिस के सारे मीटिंग्स तो राधा शेड्यूल करती है ना, तो अगर इसने ये मीटिंग भी शेड्यूल कर लिया तो इसमें दिक्कत क्या है? और थैंक यू सीए, क्या नाम है उसका? नाहता जी। नाहता जी, मुझे कैसे पता होगा, दूसरा दिन है ऑफिस में। थैंक यू। मोहन, अब तुमने हद कर दी है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। तुम्हें अब दर्द देने का अफसोस भी नहीं होगा मुझे, कल राधा ने भले ही तुम्हें ऑफिस में बचा लिया पर आज ऐसा झटका दूंगी कि तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। आने दो सीए को, मैं भी देखती हूँ वो कैसे मेरे फ्रॉड्स का पता लगाता है। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।